हेलो भाई, वेलकम टू गौरव का टेक। आज देख रहे हैं हम टाटा टिगोर ICNG, जहां टियागो आ चुकी है स्विफ्ट को बीट करने के लिए मारुति की, वहीं टिगोर भी आ चुकी है ICNG डिजायर को बीट करने के लिए, क्योंकि यहां आपको बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगी और टाटा की ब्रांडिंग भी मिलेगी, क्योंकि वोकल फॉर लोकल, इसलिए टाटा की ब्रांडिंग और ऊपर से बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार। तो अब बात करें इसके आउटलुक की, तो कुछ इस तरह से इसका आउटलुक है। अब बात करें तो इसकी आउटलुक की, तो कुछ इस तरह का इसमें आउटलुक मिलता है आपको देखने के लिए। आगे आपको इसमें प्रोजेक्टर, एक हाइलोजन, एक आपको LED के साथ मिलेगा। कुछ इस तरह की इसमें ग्रिल मिल जाती है हमको, बीच में टाटा की ब्रांडिंग, नीचे फॉग लैम्प, हाउसिंग पे क्रोम वर्क है और नीचे ग्रिल पे भी कुछ क्रोम वर्क है इस पे। और वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें भी आपको ये अलॉयज नहीं है, ये रिम है, स्टील रिम। कुछ अलॉयज लुक वाली देखने, अलॉयज लुक देने वाले रिम आते हैं इसमें। अगले डिस्क ब्रेक हैं। और टायर की साइज की बात करें, कुछ इस तरह के इसमें टायर मिल जाते हैं, 175/65/14। ये अलॉयज नहीं है, स्टील रिम है कुछ, बट देखने में अलॉयज और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और गाड़ी की लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। कुछ इस तरह के इसमें हमको RBM मिल जाते हैं विद इंडिकेटर, ब्लैक कलर में, पियानो ब्लैक फिनिश में। डोर हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, कुछ क्रोम भी है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। डोर बीडिंग मिल जाती है क्रोम में, पीछे तक डोर बीडिंग क्रोम में है, पिछले डोर्स पे भी क्रोम वर्क है, थोड़ा क्रोम लगा हुआ हैंडल पे। ये आपका रेयर लुक हो गया गाड़ी का। रेयर लुक में बात करें तो कुछ इस तरह आपकी, कुछ इस तरह का इसमें हमको मीटर मिल जाता है, साइड में आपका RPM, बीच में स्पीडोमीटर, नीचे टेम्परेचर, सारे गेज, बैटरी गेज है, CNG, इंजन इंडिकेशन, हेडलाइट का, ये जो ब्लिंक कर रहा है आपका फ्यूल गेज है। काफी अच्छी बना दी यार लोगों ने गाड़ी। और इसमें भी ट्विटर यहाँ पे प्लेस किया गया है ए पिलर में। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाता है इसमें हमको। और वहीं नीचे आए तो आपको दो AC वेंट, बीच में हैजर्ड लाइट, यहाँ पे भी क्रोम बीडिंग दी गई है। हरमन का इसमें 7 इंच का स्क्रीन टच डिस्प्ले मिल जाता है, एंड्रॉयड और एप्पल ऑटो कार प्ले के साथ। यहाँ नीचे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, डी फॉगर और एयर फॉगर दोनों इसमें। नीचे आपको USB चार्जर, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, कुछ स्पेस मिल जाता है, 5 मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन के साथ, कुछ इस तरह का गेयर नॉब, यहाँ कप होल्डर, ये हैंड ब्रेक। जो IRBM है वो मैनुअल एडजस्टेबल है। यहाँ आपको स्पीकर प्लेस किया गया हुआ है, मतलब माइक। अच्छा, इसके सन वाइजर में इस साइड भी, ड्राइवर साइड भी शीशा दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है और को पैसेंजर साइड भी। ये तो अच्छा कर दिया टाटा ने, दोनों साइड दिया है। यहाँ से आपका ग्लोब बॉक्स खुलेगा, कुछ इस तरह का ग्लोब बॉक्स मिलता है, कुछ स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है ऊपर, जहाँ पे सर्विस बुक रखी हुई है। ये और वहीं पीछे पैसेंजर सीट पर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको किस तरह का स्पेस मिलता है आपको। कुछ इस तरह का पैसेंजर डोर मिल जाता है। मुझे सबसे बुरा जो ऑड लग रहा है इसमें, ये बटन लग रहा है लॉक अनलॉक का। यहाँ पे ट्विटर प्लेस किया गया है ये अनलॉक करने के लिए हैंडल, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, कॉइन वगैरह रखने, कैरी करने के लिए, डुअल टोन में, बीच कलर ब्लैक में। यहाँ स्पीकर, ये वाटर बॉटल स्पेस, और स्पेस की बात करें तो काफी स्पेसियस है ये गाड़ी है। लेग रूम देख सकते हैं, 5'10" मेरी हाइट है, आगे बैठा हुआ था तो काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। यहाँ बीच में रीडिंग लाइट मिल जाती है आपको, मिड ऑफ द रूफ। पीछे दो आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, सॉरी पीछे दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कुछ इस तरह का दो कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है। अच्छा, इस डोर्स पे भी ना यहाँ भी ट्विटर दोनों साइड प्लेस किए हुए हैं, और स्पीकर, 4 स्पीकर्स के साथ आती है और 2 एयरबैग्स के साथ।
कुछ इस तरह से डैशबोर्ड का इसका लुक आता है। काफी अच्छा इंटीरियर दिया है टाटा ने बिल्ड क्वालिटी के साथ, इंटीरियर पे भी काफी अच्छा वर्क किया गया। अब आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ इसका, कुछ इतना बूट स्पेस मिल जाता है यहाँ सिलेंडर इस तरह का, और पीछे जो बूट डोर है काफी हैवी है। तो भाई ये था आपका पूरा टाटा टैगोर ICNG का वॉक अराउंड। कैसी लगी गाड़ी आप वीडियो में कमेंट्स में बताएं, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके से सब्सक्राइब बटन दबाने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।